यूपी के मुरादाबाद में लावारिस हालत में मिली लड़की के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मृतक लड़की की शिनाख्त कुंकरझुंड गांव की रहने वाली शिवानी के रूप में हुई है। कुछ दिन पहले ही खेत में युवती का शव जला हुआ मिला था। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि लड़की की हत्या कैसे हुई। राजस्थान के चूरू में दो लड़कों पर एक नाबालिग दलित लड़की से रेप का आरोप लगा है। लड़की शौच के लिए खेत जा रही थी, तभी उसका अपहरण कर लिया और उसके बाद रात 2 बजे तक उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान के भरतपुर में खड़ी फसल को काटने को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। मामला इतना बढ़ गया कि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को RBM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। तनाव के हालात बने हुए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर उज्जैन बारौली टोल नाके पर कुछ लोगों ने जमकर हंगामा किया। टोल कर्मियों की पिटाई कर दी गई, जिसमें 2 कर्मचारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। काउंटर कैबिन में भी तोड़फोड़ की गई। पूरी घटना CCTV में रिकॉर्ड हो गई। बताया जा रहा है कि टोल टैक्स को लेकर ये झड़प हुई थी। मध्य प्रदेश के भिंड में राजेंद्र यादव नाम के युवक ने शराब के लिए पैसे न देने पर सत्येंद्र शर्मा को गोली मार दी। सत्येंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी राजेंद्र यादव वारदात के बाद से फरार है। घटना के बाद से लोगों में दहशत है। झारखंड के लातेहार पुलिस ने नक्सली इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाकर भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। पुलिस का दावा है कि 100 की संख्या में सीरीज कैन बम समेत कई तरह के हथियार बरामद हुए। ऑपरेशन में लातेहार पुलिस और CRPF 11 बटालियन के जवान शामिल थे। झारखंड के साहिबगंज में धान कटाई के विवाद को लेकर एक बाप और बेटे की हत्या कर दी गई। मृतक बबलू हेमरम की उम्र 54 साल और हेमलाल हेमराज की उम्र 30 साल की है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। झारखंड के गिरडी में महिला और उसके 2 बच्चों का शव संदिग्ध हालत में कुएं से निकाला गया। महिला और बच्चों की मौत कैसे हुई इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हरियाणा के भिवानी में पुलिस ने छापेमारी कर एक होटल संचालक समेत 2 युवकों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि मुजफ्फरनगर का रहने वाला युवक गुड़ बेचने की आड़ में हथियार सप्लाई करता था। राजस्थान के झुंझुनू में बोलेरो चालक से मारपीट कर लूट के मामले में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस CCTV की मदद से अपराधियों की तलाश कर रही है। अपराधी बोलेरो चालक से पैसे, सोने की चेन और गाड़ी छीन कर भाग गए थे।